और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भूकंप के तेज झटके मेक्सिको में महसूस किए गए हैं, जिसके बाद मेक्सिको दहल उठा है। लगातार अफरा तफरी का माहौल है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है और उसका केंद्र कोलिमा शहर को बताया जा रहा है। कोलिमा शहर के दक्षिण हिस्से से करीब 60 किलोमीटर दूर इसका जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। भूकंप की चपेट में आने से अब तक एक आदमी की मौत की भी खबर सामने आई है, जबकि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लगातार जो प्रशासन है वो भी इस वक्त अलर्ट पर है, और कल जब ये भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए, देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें थी वो भी हिलती हुई दिखाई दी, और साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स थे जगह जगह पर सड़कों पर जो लगे थे वो हिलते हुए दिखाई दिए, और इसी वजह से लोग तुरंत उतरकर सड़कों पर आ गए, खुले मैदानों के आसपास इकट्ठा हो गए ताकि किसी भी तरीके से वो खुद को महफूज रख सकें और सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जिसके बाद अब लगातार मेक्सिको में तेज झटके जो महसूस किए गए, अफरा तफरी का माहौल है। इसकी तीव्रता 7.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई है और ऐसे में भारी तबाही वहां पर हो सकती है। चेतावनी अलग से जारी की गई है सुनामी को लेकर, जिसके लिए पूरा प्रशासन वहां पर फिलहाल अलर्ट देखने को मिल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि मेक्सिको में जो तेज भूकंप आया उसके बाद एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है। जनक दवे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जनक, और क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि सुनामी आने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है? बिल्कुल, जो पीक पर रिक्टर स्केल वो देखा जाए तो 7.5 यानी काफी भूकंप के तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन रात की बात यह है कि कोई मात्रा नहीं है, एक व्यक्ति की मौत की खबर है, लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज है वो काफी ज्यादा हो गया है। मैंने जानी लोग करके जो जगह है वहां पर इसकी जो कहें कि सुनामी का असर देखने को मिला है। जो सुनामी सेंटर से अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक 3 मीटर जितनी लहरें ऊंची उठ सकती है और शहरों की ओर आ सकती है, तो सुनामी का भी असर देखने को मिल रहा है। ये बात समझनी होगी कि मेक्सिको सिटी में एक स्ट्रक्चरल डैमेज ज्यादा हुआ है और ये उस वक्त हुआ है। आपको याद हो कि 1985 और 2017 में ये दो बड़े विनाशक भूकंप आए, उसकी बरसी थी, और उसी दिन ये तीसरा जो भूकंप का है 7.5 का, वो भूकंप वहां पर आया और उसके चलते स्ट्रक्चरल डैमेज ज्यादा है, लेकिन हताहत कोई नहीं है, केवल एक व्यक्ति की मौत हुआ है, लेकिन फिलहाल कोई भी हताहत नहीं है। फिलहाल एक व्यक्ति के मौत की खबर भी सामने आई है, लेकिन इसी के साथ सुनामी का अलर्ट भी मेक्सिको शहर में जारी कर दिया गया है। और जैसा कि जनक ने भी हमें अपडेट दी कि वहां पर सुनामी की ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो शहर के अंदर तक आ सकती हैं, नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया जा सकता है, और इसी वजह से जो आसपास लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है और अलर्ट बकायदा जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके और खुद भी वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर गाड़ियां हैं, इमारतें हैं, बड़ी बड़ी ट्रैफिक लाइट्स की अगर बात करें तो सब किस तरीके से लगातार हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा था, क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं, लगातार वो हिलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, पूरा इलाका मेक्सिको और ये जो पैसिफिक ओशन था वहां पर इसका असर ज्यादा देखने को मिला, और उसके बाद वहां पर स्ट्रक्चरल डैमेज जो मैं कह रहा हूँ टांगलेयर ने जो बताया उसके मुताबिक स्ट्रक्चरल डैमेज ज्यादा है, और पैसिफिक का कोस्ट का इलाका है वहां पर ये भूकंप होने के चलते जब समुद्री किनारा होता है तो वहां पर सुनामी आने का खतरा रहता है, और इसी चलते सुनामी सेंटर से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, वहां पर बजाए जा रहे, चूंकि 3 मीटर ऊंची लहरें उठेगी सुनामी का, जो सुनामी आएगी तब, और वो पानी और वहां नुकसान पहुंचाएगा, तो लोग वहां पर दहशत में हैं। लोग सड़कों पर, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे पूरी बिल्डिंग्स हैं वो हिल रही है, कांच टूट रहे हैं, लोग घरों में हैं, उस समय ये भूकंप आया तो उस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं, लोग सड़कों पर बाहर दौड़ कर आए, तो ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है, जो वहां पर जिस तरीके के भूकंप का असर देखने को मिला, और उसी के चलते फिलहाल अभी कोई हताहत नहीं, जैसे मैंने कहा ये एक बड़ी हाथ की बात है, क्योंकि सालों के मुकाबले अगर देखा जाए 1985 और 2017 में जो विनाशक भूकंप आए थे वो उसके मुकाबले उसी सालगिरह पर ही ये भूकंप का असर आया और भूकंप देखने को मिला, लेकिन कोई इतना हताहत नहीं है, बहुत सबसे बड़ी राहत की बात है। जनक, बेशक ये तस्वीरें डराने वाली है और जिस तरीके से इमारतें लगातार हिल रही है, इसके बाद अब प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि लोग जो हैं आसपास जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां से उनको दूर करके सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए,
और साथ साथ भूकंप के अलावा वहां पर सुनामी की भी चेतावनी है, जिसको लेकर और ज्यादा अलर्ट वहां पर प्रशासन इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं वो डरे सहमे हैं। और तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि वहां पर किस तरीके का दहशत का माहौल मेक्सिको शहर में देखने को मिल रहा है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 7.6 उसकी तीव्रता रही है, जिसके बाद जो स्ट्रक्चर डैमेज है, जो इमारतें हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है।